तो देखिए बहुत ही सुंदर बेबी का जूता बनाए हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही प्यारा दिखता है। एकदम थोड़ा सा ऊन में हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये 25 फंदा से बना हुआ है। आप इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 30 फंदा से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले फंदा ले लेंगे, 25 फंदा। देखिए इस तरीका से फंदा लेते हुए 25 फंदा बना लेंगे। देखिए 25 फंदा यहाँ बना के ले लिए, टोटल 25 फंदा है। अभी सारा फंदा को उल्टा उल्टा बना लेंगे। टोटल फंदा उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ टोटल फंदा उल्टा बना लिए, 25 फंदा लिए थे, 25 को उल्टा बना लिए। अब उल्टा साइड से भी पूरा को उल्टा ही बनाना है। इस तरीका से बनाते हुए 8 धारी बना लेना है। इस तरीका से बनाते हुए 8 धारी बना लेंगे। तो देखिए 8 धारी बना के तैयार हो गया। देखिए 8 धारी बन गया। टोटल 8 धारी बना लिए। अब इसको घटाना है। टोटल 25 फंदा लिए हैं, उसमें से 12 फंदा हम इस तरीका से घटा देंगे। फंदा लिए हैं तो 12 फंदा घटाएंगे और 13 फंदा रहने देंगे। जितना भी फंदा बड़ा, जितना भी जूता बड़ा बनाना है तो जितना फंदा बढ़ाइएगा उससे आधा उसको घटा देना है। तो देखिए यहाँ 12 फंदा हम घटा दिए, 25 फंदा था, अब इधर 13 फंदा बच गया। जितना भी फंदा लेना है उससे आधा घटा के और आधा को यहाँ फिर बनाना है। तो देखिए इस तरीका से इसको बनाएंगे, एक सीधा और एक उल्टा। उल्टा नीचे से बनाएंगे, देखिए इस तरीका से सीधा बनाएंगे, बीच से लेंगे, ऊपर से फंदा बनाएंगे, फिर उल्टा नीचे से फंदा बनाएंगे। इसी तरीका से एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए 4 धारी बनाएंगे। देखिए एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए पूरा कंप्लीट हो गया। अब उल्टा साइड से भी उसी तरीका से बनाना है, जो सीधा बना हुआ है, जो सीधा बनाना है, जो उल्टा बना हुआ है उसको उल्टा बनाना है। देखिए सीधा कैसे बनाना है, बीच से लेना है, ऊपर से इसे उड़ाना है इसको, और उल्टा नीचे से इसको फंदा लेना है। इस तरीका से बनाते हुए 4 लाइन बना लेते हैं, फिर दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे बीच में। टोटल यहाँ भी 8 लाइन बनाना है, तो बीच में हम दूसरा कलर 1 धारी ज्वाइंट करेंगे।
इसी तरीका से बनाना है, सीधा पे सीधा, उल्टा पे उल्टा, इसी तरीका से बना के चार धारी देखिए बना लेते हैं। टोटल बनाना है आठ धारी। देखिए चार धारी बना के ले लिए। अब हम यहाँ दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे, एक धारी उससे बनाएंगे दूसरा कलर से, उल्टा साइड से कलर ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ वाइट कलर का ले लेते हूँ और एक धारी इससे बना लेंगे, सेम जैसे बना हुआ था उसी तरीका से, बुनाई नहीं बदलना है, सीधा पे सीधा और उल्टा पे उल्टा, केवल कलर चेंज करेंगे। सीधा पे सीधा बना लेना है, एक धारी दूसरा कलर से ही बनाएंगे। एक धारी बन गया। अब इधर से भी व्हाइट कलर से ही बनाएंगे, इधर से भी व्हाइट कलर से ही बनाएंगे, जो जैसा बना हुआ है वैसा ही बनाएंगे, सीधा पे सीधा और उल्टा पे उल्टा। देखिए दूसरा धारी भी बन गया। अब यहाँ वाइट कलर को छोड़ देंगे, फिर से जो पहले कलर था उसी कलर से बना लेंगे चार धारी। जैसे नीचे चार धारी बनाए हैं उसी तरीका से चार धारी अब यही वाला कलर से बना लेंगे। तो देखिए इधर भी चार धारी बना लिए, चार धारी पहले बना हुआ था तो फिर दूसरा कलर ज्वाइंट किए थे, फिर ऊपर भी जितना नीचे बना हुआ था उतना ऊपर भी बना लिए, टोटल मिला के आठ धारी बना हुआ है। अब यहाँ जितना बारह फंदा घटाए थे उतना यहाँ बढ़ा लेंगे, नीचे में बारह फंदा घटाए थे वही बारह फंदा अब यहाँ बढ़ा लेना है, जहाँ से घटाए थे वहीं पे बढ़ा भी लेना है। इसको थोड़ा सा आराम से बना लेना है उल्टा उल्टा, इसी तरीका से उल्टा उल्टा बनाते हुए जिस धारी नीचे बनाए हैं आठ धारी उतना ही आठ धारी ऊपर भी बना लेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे आठ धारी बना लेंगे।
देखिए इसी तरीका से उल्टा उल्टा दोनों तरफ से बनाते हुए आठ धारी बना के तैयार कर लेते हैं। जितना नीचे बना हुआ है उतना ही ऊपर बनाएंगे। तो देखिए जितना नीचे बना हुआ है उतना ही ऊपर बना लेना है। अब यहाँ इसको घटा देना है, पूरा फंदा को घटा लेना है। दो फंदा बनाएंगे, फिर एक करेंगे, फिर उसी पे चढ़ा के फिर सारा फंदा को इसी तरीका से घटा देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और बनाइएगा। देखिए दोनों बंद कर दिए उसको, पूरा फंदा बंद करके तैयार कर लिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए सीधा साइड अंदर करेंगे और उल्टा साइड ऊपर करेंगे। इस तरीका से इसको सिलाई करेंगे। अब टोटल फंदा बंद करके और सीधा साइड नीचे रखेंगे अंदर में और उल्टा साइड से सिलाई करेंगे। इसी तरीका से पूरा को सिल लेंगे। इसी तरीका यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। देखिए पूरा यहाँ तक सिलाई कर लिए। अब इसको पलट देंगे तो देखिए कितना प्यारा जूता बन के तैयार हुआ। और बहुत आसानी से आधा घंटा में आप इस जूता को बना सकते हैं। एकदम थोड़ा सा ऊन लगता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। तो देखिए तैयार हो गया। इस तरीका से इसका लुक आता है। बनाइएगा। थैंक यू।